नमस्कार जी, आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने 2 किलो गाजर धो के छिलके अच्छे से ले ली है। इसको अभी हमने कद्दूकस करना है। और हमने लिए किशमिश, काजू, बादाम, सूखी गरी और 5-6 दाने मैंने इलायची के लिए। इसके कूट के हमने पाउडर बना लेना है। और 200 ग्राम मैंने चीनी ली हुई है और 1 कप दूध फुल क्रीम। अब हम गाजर का हलवा बनाएंगे। हमने ये पूरी गाजर कद्दूकस कर ली है। अब हमने कढ़ाई गर्म कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। अब हम इसमें डाल देंगे साथ साथ में ही गाजर जो हमने कद्दूकस करके ली हुई है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप भी गाजर का हलवा बना के देखना। ये सब्जियों में खाने के लिए बहुत ही स्वाद बनता है और खाने में भी स्वाद लगता है। सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी गाजर आती है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी गाजर आ रही है। अभी बना के खाना गाजर का हलवा। अब हम इसको मीडियम गैस पे ढक्कन देके इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमने ढक्कन देके गाजर को पका लिया। देखो अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। मैंने ताजी मलाई ली हुई है 1 कटोरी और जो हमने 1 कप फुल क्रीम दूध लिया। अब मैं इसको भी इसमें मिला दूंगी। हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैंने डालनी है जो हमने चीनी ली हुई है, वो भी इसमें मैंने डाल देनी है। अब हम इसको खुले ही में अच्छे से पकाएंगे। अब ये हमारा दूध आधा सूख गया है। हमने 5 मिनट के लिए खुले में पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने इलायची पाउडर लिया हुआ थी, इलायची उसका हमने कूट के पाउडर बना लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था, काजू, बादाम, किशमिश और सूखी गरी, वो भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिए है। और थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निश के लिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने और इसको खुले में पकाना, जब तक हमारा इसका दूध अच्छे से नहीं सूखता हम तब तक खुले में पकाते रहेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब ये हमारा दूध देखो कितना अच्छे से सूख गया है। अब हमने इसको खुले में ही पकाया है। अब भी दूध डालने के बाद इसमें ढक्कन नहीं लगाना, नहीं तो उफन के पूरा दूध बाहर गिर जाता है। तो इसको खुले में ही पकाना है। अब हमारा दूध सूख गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अब ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। देखो पूरा दूध इसका सूख गया है। अब हमने ये 2 किलो गाजर ली थी, उसमें हमने 200 ग्राम चीनी डाली हुई है। आप चीनी ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मनपसंद का डाल सकते हैं। अब हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। देखो कितना अच्छा हलवा बना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब ये हमारा गाजर का हलवा खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।